Assalamu alaikum everyone, my name is Momin Ali Munshi, aap dekh rahe hain Galaxy Lollywood and this is Amma TV Aur Mein. Hum wapas aa gaye hain ek aur mazedar episode ke saath aur sabse best baat hai ki Amma aur main ghar mein ikatthe rehte hain to hamara set bhi lounge mein hi hai to hum aapke liye show kar sakte hain kyunki corona virus ki wajah se halaat mulk ke bahut bahut kharab hai, duniya ke halaat bahut kharab hain to aap log please apni jaise precautions jo sab pata hi aapko wo le kuch kehna chahoge iske bare mein aap main ye kehna chahungi कोरोना वायरस खतरनाक है उससे खतरनाक वो लोग हैं जो डिप्रेशन फैला रहे हैं इस बात को मतलब अगले वाला जो नुखिया बजाएगी ये कि कहें कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह सब अच्छा करेगा उसके बजाय मैं जैसे मेरी बाजी है हर वक्त न्यूज़ लगा के बाजी मुझे डराती रहती हैं कल मैं भी हल्की सी डिप्रेशन में चली गई तो मैंने बाजी से मैंने कहा खुदा का बात देखना ना आपने मेरे सामने न्यूज़ ना देखें तो ठीक है एक चीज़ पता ही है तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ने जाप डाला तो माफ़ी मांगे कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला उठा भी लेगा बस उन लोगों से बचना है बेशक बाजी खाला चाची मामी फुफी जेड़ी भी की उसको बचना जेड़ा अगे बहुत नक्शा खिजी दिखाए अगे की होएगा उन्होंने को बचो हम आज एक बहुत एंटरटेनिंग और मज़ेदार एपिसोड लेके आए इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लास्ट वीक की मैंने थोड़ी फीडबैक की बात कर लें तो आपका अलिफ का रिव्यू बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ बहुत लोगों ने अग्री किया और बहुत लोगों ने डिसअग्री भी किया कुछ पॉइंट्स जो लोगों ने रखे वो मैं आपके सामने ज़रा पेश करता हूँ काफ़ी लोगों ने कहा कि ये देसी मेंटालिटी होती है कि बेवा ने शादी कर ली उसको शादी करने देते ना बिल्कुल गलत गल अल्लाह माफ़ करी मैं कि वो करवाना ही नहीं चाहती थी मैं भी बेवा हूँ मैं भी नहीं शादी करवाना चाहती थी नहीं करवाई अगर बेवा करवाना चाहती है तो ज़रूर करो मेरी फैमिली में दो तीन मतलब हैं जो करवाना चाहती थी उनकी किया अच्छी बात है करनी भी चाहिए जो नहीं करवाना चाहती और वो उसने जहाँ नहीं करवाना चाहती थी इस वजह से कहा था ऐनी क्या सी क्यों क्यों नहीं गलत गल और लोगों ने ये भी कहा कि बच्चा अपनी माँ से नफरत करता था इसलिए उसको ज़रा साइड पर करके शादी कर ली सदके जावा बच्चा माँ को नफरत नहीं सिखाता माँ जब नाचती थी तो हर बच्चे को बुरा लगना था अगर वो माँ से नफरत करता था जब वो उसने जहाँ मास्टर इब्राहिम के साथ अपने ससुर के पास आई थी वो सीन देखा था मोमन किस तरह बाहर ऐसे रो रो किस तरह बच्चा ऐसे कर रहा होता है अगर उसको नफरत होती तो इस तरह दुख क्यों कर रहा था नहीं नहीं इसी वजह से तो मैंने कहा है कि मोमी ने इस चीज़ का बहुत दुख लिया था कि मेरी माँ की शादी हो गई है ये भी अच्छा आगे बहुत सारे और कॉमेंट्स हैं सबका जवाब तो नहीं देना चाहिए लेकिन काफ़ी लोगों का आंटी स्पिरिचुअल नहीं है आंटी शो को समझ नहीं सकी जो गिला था आपको भी लोगों ने कहा बट खैर चलो मैं पागल हूँ पागल चलो इसको मिस करें कि ऑब्वियसली हर किसी का अपना ओपिनियन होता है हम आगे बढ़ते हैं ठीक है हाँ। उसके अलावा बहुत लोगों ने आपके कर्ल्स की तारीफ की पता नहीं पता नहीं कौन से जल जा पता नहीं कौन से लोग हैं जिन्होंने कहा आंटी बड़ी यंग लगती है कर्ल्स में मैं ही करवाया थी डीएम पे इंस्टा करके लोग कमेंट कराए हैं आपने अच्छा कपड़ों का फिर से लोग बहुत पूछते हैं कपड़े कहाँ से हैं किस डिजाइनर के हैं किस ब्रांड के हैं कुर्तियाँ कहाँ की हैं आपकी मैं सदके जावा पुरानियां कुर्तियां ने मेरा सच्ची जेड़े तारीफा करते हैं हूँ देखो मनूस कोरोना भी फैल गया मेरा दिल करता उन्होंने दे दवा मेरे पुराने कपड़े हैं बेटा नए नहीं लिए नए जब लूँगी तो बता दूंगी अभी ये मिलने ही नहीं है पर एक आगे ऐसा मौका है जिस चीज़ को जो मेरे पसंद होगी मैं उनको गिफ्ट कर दूंगी ये मेरा वादा ओहो माहिरा खान की तरह कपड़े दे रही है अच्छा आपकी रिंग्स का भी लोगों ने कहा कि अंगूठियां बड़ी आपकी लोगों ने नोट की हैं बोलते मैं पाइया ही नहीं अच्छा मैं तो छोटी छोटी पानी है ठीक है और आप ना कि सुहाग दात को उर्दू में क्या कहते थे लोगों ने आपको करेक्ट किया कि आंटी शब्बे अरूसी और शब्बे वसल कहते हैं मैं सदके जावा मेरे बच्चे हो वे तो सिर नवाब ही कहते उनके बेगम शब्बे अरूसी में तशरीफ ले आइए साढ़े वर्गे आम तो सुहाग रात ही कहते शब्बे अरूसी लफ्ज होगा पर आम पता था आपको उस लफ्ज़ का है पता था शब्बे रूसी शब्बे रूसी अब मैं उर्दू में बहुत मास्टर थी ठीक है शब्बे रूसी का था पर आम बोलने में शब्बे रूसी नहीं बोला जाता सिर्फ नवाब बोल देंगे तखलिया ठीक है तो इसी वजह शब्बे रूसी भी उनका लफ्ज है ठीक 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 चलो उसके साथ हम लोग आई थिंक इस हफ्ते का सिलसिला स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बताओ आपका इस हफ्ते का बेस्ट एपिसोड बेस्ट ड्रामा कौन सा लग रहा है प्यार के सदके मैं सदके जावा दोनों बच्चियां दिखाए हाय हाय मेरा दिल ही कट के ले अच्छा ठीक है और उसके अलावा हनी ठहरो मुझे ना एक ड्रामा था मैं पहले देखती थी मुझे यूट्यूब पे एक दिन अचानक मिल गया कौन सा ससुर इन लॉ अरे मेरे अल्लाह जैसे ये टेंशन का माहौल है आप सब देखो यकीन करो इतनी मजे की यानी हंसी आप रोकना भी चाहोगे तो रुकेगी नहीं कितना पुराना है काफी पुराना है चंगा भला हाँ कास्ट है कोई फेमस लोग हैं कास्ट हाँ फेमस लोग हैं इसमें सुहेल अहमद है एक कब सुहेल और कवि अहमद दोनों मतलब हैं बड़े इसमें वो है फैसल रहमान है अच्छा, सबा कमर है अच्छा ठीक है हाँ काफी कास्ट हाँ, है हाँ ठीक ठीक रोल है वैसे पूछा मैं तुझे कह रही हूँ कॉमेडी वाला बहुत हंसी वाला ड्रामा है कि हंसी उबल उबल के आती है पहले कॉमेडी होती बेहतर थी आपके हिसाब से पहले बहुत मजे का ड्रामा मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ खुशियों से होके आप गमों की तरफ बढ़ते हैं और आपका जरा गुस्सा का मीटर जरा बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं झूठी ड्रामे के रिव्यू से
तो झूठी की बात करें सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले हम की बात करें एक सीन जिसके बारे में हम लोग कल रात से मैं बाद गल करांगी। एरा डायरेक्टर है ना, मेरा दिक्कत है लबा तो लब के डंडिया ना कुटा इन, क्यों पूरी फीस ले ली जो भी होगी डायरेक्टर देख से हैं, तो किया कि इन्हें किया कुछ भी नहीं। चलो सब वे मैं कहनी हाँ, चलो आगे बढ़ने से पहले हम एक सीन की बात करें जो हम दोनों कल रात से लड़े हैं इसके बारे में। तो तू ही गलत में बगैर था, मैं कहने बच्चे हो आप लोगों ने सुनना है जो हम लोगों ने, तो बताना कौन गलत था। हाँ, चल आप सीन तो सीन है क्या मतलब। हाँ सीन ये था, इसमें निर्मा अपनी दोस्त है ना अपनी ज्वेलरी मांगती है, ठीक है ज्वेलरी लेके आती है घर बैग में से ज्वेलरी निकालती है, अल्लाह माफ करी या अल्लाह तो अल्लाह नु जान देनी है हनी अली बाबा 40 चोरों से चोरों की ज्वेलरी सी इन्नी बड़ी ज्वेलरी, एक मिडिल क्लास फैमिली ठीक है सफेद पोश लोग, उसमें तेरे अपने घर में चोरियां की ससुराल हाँ। गई वो कॉलेज जिसमें जो पढ़ते कहाँ और जेवर इन्हें कितों चोरी किया वो तो लादा निर्मा डकैतियां कर दी सी रात नू। अच्छा हाँ जी हाँ, तो सर ने मेरा पॉइंट डाल दिया बीच में। अच्छा मैंने ड्रामा वैसे नहीं देखा हुआ झूठी, लेकिन जो मैंने इतना सीन देखा मेरा पॉइंट उसमें ये था कि वो निर्मा एक झूठी औरत है, वो चोरियां करती आई है, उसे पता नहीं कहाँ कहाँ से कब से चोरियां की उसने अपने घर में अपने इधर आस पड़ोस में। तेरे सबके जामा में बच्चा मैं गुनेगार ना कर, मैं ना कर बगैर था गवर्नमेंट स्कूल पढ़ी होनी हो बेचारी ठीक है, वो था कॉलेज वो बाद वो था घर जेडी वो जो भी उसके मिलने वाले होंगे उनके पास जो बेचारे सफेद पुष लोग होते हैं इतना गोल्ड महंगा उनके पास बड़ी हाथ होगी, बेचारों के पास बहुत थोड़ा होता है ठीक है। निर्मा ने अगर अपने घर में भी चोरियां की हैं, भाभी की गूठी कर रही, भाभी का एक तोले का सेट कर लिया इस तरह था, अब उधर भी गई है सारा कुछ था, उन्होंने भी एक सेट डाला होगा क्यों आपने दो डाले चल तीन पाते तू क्या कहना तीन पाते थे उन्होंने ठीक है। अब जो कॉलेज स्कूल जिसमें जाती होगी उसके दोस्तों के पास तो गोल्ड होता ही नहीं होगा, बड़ी हाथ होगी छोटी सोने की बालियां करियो अपनी खैर तो खुदा अपनी गल मान जा तू गलत है बेटा, इतनी ज्वेलरी बैग से उसने निकाली तो ड्रामा में हर चीज आपको नहीं बता सकता कि एक ही चीज क्या है, बस 40 मिनट की एपिसोड होती है तो कुछ बातें खुद ही अज्यूम करनी होती है, खुद ही आपने फिल इन द ब्लैंक्स को जरा ब्लॉक्स को फिल करना होता है अच्छा। कि वो कब से चोरी करती है, उसके पास कमान कब से बड़ा था, उसकी जमा पूंजी पूरी जिंदगी की है वो, उम्र की नहीं दिखाई है बच्ची दी 20-22 साल की बच्ची दिखाई है, 20-22 साल की बच्ची ने इतनी सारी ज्वेलरी इतने सारे कड़े चेन कहां से ले ली चलो उसने? चलो मिट्टी डालो इस बात पे, मिट्टी डालो लोग कमेंट कर लेंगे इसके। हां ठीक है कौन और बताओ ड्रामे में क्या हो रहा है क्या चल रहा है ड्रामा इसमें होता है ना, सबसे पहले ये गलत बात है उजड़ के आई हुई बच्ची है ठीक है, जो जो शादी हुई थी शादी के बाद अपने ससुराल जाके कपड़े पहनते तिल्लियां वाले कपड़े मैचिंग चूड़ियां बगैरती दी हद में डायरेक्टर दी, वो तू कपड़े दे सादे उन पवा किस खुशी जो ने तिल्ले वाले कपड़े पाए हुए ने रेड कलर का सूट, ड्रामा शुरू होता है वो रेड कलर के सूट में चूड़ियां पहन के बाल खोल के लहराती फिर रही है, जेड़ा बंदा उजड़ के आया होता है इस तरह होता है नहीं हो गई गलत बात। अब इसमें फिर ना नासिर बेचारा आता है ना तलाक दे दी उसने, तलाक दे दी उसने हाँ, अहमद भट्ट की अदाकारी थी मैं सदके जावा शानदार सुपर, मैं तो मान की इसका मैंने मुझे इसके अदाकार का नहीं मैंने पहली दफ़ा इस तरह की देखी है, बहुत मजे की थी आंखों में आंसू आ गए अच्छा। बड़ा दुख हुआ अच्छा वो इस पे वो उसका जैसे चल रहा है ना तो बाप तो कहता है कि तलाक ही देनी है, अपने बाप को कहता है कि एक कोशिश मैंने करनी है, तो बेचारा ज़बरदस्ती मतलब बाप ने तो वकील भी बुला लिया वो इतना कर रहे हैं तो उसको तलाक ही देनी है, वो अब जाता है सुलह करने के लिए तो निर्मा तो निर्मा तो चाहती थी कि तलाक हो जाए, दरवाज़ा खोलती है निर्मा तो कहता मैं मतलब आए तो मेरे जाने के लिए साथ ही ना चीखना शुरू कर देती है अम्मा 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 नासिर मुझे मार रहा है, वो बेचारा उत्थी रौन हो जाता है कि फिर उसके भाई आ जाते हैं वो यही पिटते हैं ना मुझे मारा मुझे मारा मुझे मारा, भाई लड़ने लग जाता है कि तूने हमारी बहन का क्यों मारा ठीक है, फिर डायरेक्टर का देख लिया वो ना कहता निर्मा को कहता तू हर वक्त झूठ मतलब बोलती थी तुझे एक बात उस झूठ में मैं सच ये कर दूँगा उसे तलाक दे देता है, और कहता है मैंने जितनी तुझसे मोहब्बत की थी तू तो नफरत के काबिल भी नहीं है, अब यहाँ से वो लड़के तलाक दे के अपने घर घर गया है काली शर्ट पाई हुई है बटन बंद ने बिल्कुल मुंह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अब अपने घर गया है बटन खुले थलियों बनैन नजर आन डई गल जख्मी हुई हुई या कि डायरेक्टर दा या कि बेवकूफी सी लोगों ने अन्ने समझे कि एक सीन बिल्कुल सही सलामत बचा गया सही भले वे कपड़े ने सारा कुछ घर जाते जाते उसका सारा गिरेबान चाक और चोट उन्होंने क्या बताया नहीं कि क्यों क्या हुआ ये दिखा कि लड़ाई हुई वहां पे कोई खतरनाक सी तू पागल करेंगे झूठी का डायरेक्टर तू ही है मैं तू ही मुजरमा आज पता चल गया पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा ड्रामा नहीं देखा आपसे पूछ रहा मैं तो ड्रामा देखा ना जानता मां पिटी देखी निशान कहां से है निशान क्या कहां से आते हैं सारा कुछ तो सट्टा लगा के आया वहां से अगर चोट थी ना अगर वहां पे जैसे भाई से लड़ाई हुई थी
कुछ था, ये चोट वहीं पे दिखा देते, गिरबा चाक वहीं पे दिखा देते, कुत्तिया फेरा सही हो जाना थी, सारा कुछ घर जाके होया। नहीं बेटी नहीं ऐसे नहीं कहते, ये गलत हो जाएगा बेटी। हो गया अटैक, हो गया फालेज का, बहुत इन्नी देर का होंगे पैसे, फालेज का अटैक हो गया ना। अच्छा निर्मा, इतनी डायरेक्टर की गलतियां हैं। अच्छा अच्छा निर्मा की लड़ाई होती है अपनी दोस्त से, जेवर लेने जाती है, पहले तो मैं मन ही नहीं सकती कि एक कुड़ी चोरियां करती पई है, तो ओदी सहेली एडी ईमानदार, रसूल पाक दा जमाना याद आया मैं ओदी ईमानदारी तो, कि एक चोरनी नू सारा समान दे देंदी। मुझे पूरा था ये पिछली एपिसोड में दिखाया था कि भाग गई है, मैं कहा शुक्र अल्लाह बड़ा मजा आया ऐसा जेवर लेके। इस एपिसोड में बल्कि बताती है निर्मा, मिल जाती है, कहती है कि तेरा जेवर मैं साथ ले गई थी, अच्छा कि कहीं मेरे पीछे से गायब ना हो जाए, जैसे लिकड़ी ईमानदार थी। हो गई ईमानदार, अच्छा हो गई। उस बाद निर्मा अपने घर जाती है जी बोरी भर के जेवर दी, वो तीन अंगूठिया एक बॉन्ड घट से, ठीक एक बॉन्ड घट से 40,000 का, बॉन्ड भी थे बॉन्ड, एक बॉन्ड से 40,000 का, तीन अंगूठिया थी, तीन अंगूठिया जिन्नी तेरे को ज्वेलरी थी तुम्हें चोरी की हुई थी ना, उसे एक चीज का पता था अपनी, पता तो सी। अब दोस्त से लड़ने जाती है ना, ये इतनी गलत बात है, तू तो जिड्डी वड्डी, तू अपने सोहरिया के डाका 15 एक 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 बात का दोस्त को पता है, ठीक है तेरी जरूरत किस तरह पी दोस्त ने लड़न दी, तू जानती नहीं मुझे, तुझे पता नहीं तेरा किससे पाला पाला, देख मैं तुझे क्या करती हूँ, देख मैं तुझे मोहल्ले में बदनाम करती हूँ। तो दोस्त और गल्ला कहती, दोस्त की कहना चाहिए थी तू तो मैं बाद च बदनाम करांगी, मैं अभी जाके तेरे घर बचाती हूँ, घर जाके बता ससुराल वालों को बता, ये इंतकाम था ना, राके से सारी चीजें छिन जाती, दोनों की बड़ी खूनी जंग होती आपस में, दोनों एक दूसरे को वार्निंग दे देती, वो कहती मैं तेन तबाह करांगी, वो कहती मैं तेन तबाह करांगी, एंड भी क्या होता है, हालांकि थेली तो तबाह कर सकती थी, इन कंगाल कर सकती थी, जाके कहती के सारा कुछ ने चोरियां नहीं किया। नेक्स्ट वीक क्या होना है, क्या पता, नेक्स्ट वीक मसीहा आ गया, मेरा यासिर आ गया, लव यू यासिर, तो क्या मजा आएगा ना। अब इसमें ये सारी अपनी चीजें बेच के इसने कारोबार यासिर के साथ करना ना, तो अब यासिर इसका लुटेगा, खूब मजा आएगा जो चोर नहीं होंगे मोर पहनगे। बस उसी एपिसोड का इंतजार है यासिर वाले का क्या होगा। चलो इसके साथ हम लोग झूठी का सिलसिला खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अगले ड्रामे की तरफ, जो है प्यार के सदके, जो बहुत पसंद आ रहा आपको, तो इस हफ्ते एपिसोड कैसी रही प्यार के सदके एपिसोड, जिस तरह का टेंशन वाला माहौल है, मुझे तो आहिस्ता भी बोलती जब आप, मुझे तो वैसे ही ये ड्रामा बहुत पसंद है। खनी ये वाली एपिसोड, पैसा वसूल एपिसोड, इतनी मज़े की, मुझे यमुना और बिलाल दोनों पे, दोनों की एक्टिंग बहुत, मुझे ज़्यादा बिलाल की, मतलब ना जैसे, क्योंकि यमुना ने तो एक मासूम सी लड़की बनी हुई है ना, तो बिलाल जो करता है वो मुझे बावला सा ही नहीं, थोड़ा जो भी दिखाया ना, जो वो चेहरे के एक्सप्रेशन, उसके जो सारा कुछ है, एक्टिंग अच्छी है, कहानी अच्छी, मज़ा आ रहा है, इतनी मजे की ये वाली एपिसोड, जिस किसी ने नहीं देखी देखो, मैं तो पूरा बार बार इसको जब से लगी है ना, कमेंट भी किया कि आंटी आपके कहने की बात हमने देखना शुरू कर दिया है, ये वाली एपिसोड तो नहीं, मैं क्या इसमें बताऊं, फर्स्ट सीन से लेके एंड तक एंजॉय किया आपने, एंड तक एक एक सीन में एंजॉय था। एक कमेंट आया था कि ऐसा आते ड्रामे क्यों नहीं बनाते, कमेंट आया था एक सर्वर पता नहीं कुछ करेगा, सीन खराब हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, पता नहीं हुआ कुछ ऐसा कुछ, शादी हुई है, वो दुख मनाता फिरता पे, दो डिगदा पे ना कि उसकी शादी हो गई है, तो इस बारे जो भी सारी एपिसोड है इसमें नहीं पता चला, और पूरी 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 एपिसोड मैं तो समझ नहीं आती मैं किंजी तरीफा करूं, बहुत तरीफे कर दी हमने, ठीक है, दोनों बच्चों की एक्टिंग बहुत अच्छी, ठीक है आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं ये दिल मेरा की तरफ, ये दिल मेरा कैसा रहा, ये दिल मेरा की एपिसोड भी बहुत मजे की, एंजॉय किया आपने, हां क्योंकि जैसे कहानी डिफरेंट है, जैसे तीन चार ड्रामे जिसमें वही बहू पे जुल्म करना वो सारा कुछ, इसमें डिफरेंट कहानी है ना, सारा मूवी सी लग रही है ना, थ्रिलर लग रहा है, थ्रिलर सा आगे का आगे का, हां तो इस वाली एपिसोड में ना नूर को बेड पे ना, नूर से शुरू होता है, नूर बेड पे बातें, जो सारी बातें थी नूर क्या, अच्छा लोगों ने आपको भी तेज बोलने में कहा कि आप तेज बोलो, अच्छा चलो और क्लियर बोल रहे हैं, हां नूर बेड पे, एक आप आहिस्ता बोलती बीच में, फिर आप स्लो बोलती हो, नूर बेड पे बैठी, फिर सारा कुछ
जो मैं कहती हूँ गलती अगले बंदे को सुनते हो, अगले बंदे की फीडबैक को सुनते हो जो बता रहा है आपकी गलती बता रहा है। मैं सही बोलने नहीं है, इतना ऐसा नहीं बोलना, थोड़ा तेज बोलना। अच्छा, तो नूर जो सारी मैं कहती थी डम, मैं नहीं सोचती, नूर सारी बातें इस वाली में सोचती है ना। अरे पता नहीं क्यों वो सोचते हैं ना, सारा हमें लिखा लिखा दिखाते हैं। नूर बेड पे बैठी है ना तो सारा ऐसा लिखा लिखा आता है कि जो उसने पता नहीं मैं देखा अंदर जो नहीं। हाँ, तो वो अब उसके बाद अगले वाला सीन है ना नूर के जैसे, मतलब होता है अब उसे हो गया कि अमान मतलब बुरा है, तो मतलब है उसको पूरे पूरा 100 में से हाँ 100 ही मतलब उसको पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद ना अमान ना लाइब्रेरी में जाता ना तो अमान को पता चलता है कि मेरी लाइब्रेरी में ना चीज़ें उसने छेड़ी हैं। ये नहीं, फिर बड़ी शानदार उसका चेहरे के एक्सप्रेशन थे, वो एक दरिंदा सा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगे ही बू क्यों दरिंदा बनिया बनिया ना मुस्कुराता मुस्कुराता मीर फरूक ने फोन करता, एक बंदा दरिंदा बना बना उसी दिंदी में कुछ और थी उन्होंने चाहिए ना लैपटॉप खोल के ना मीर फरूक तो मीर फरूक को तस्वीरें भेज देता है। तो फिर उसके बाद कमरे में आता है तो फिर इसकी और नूर की मतलब ना नूर ऐसे मतलब कहती है ना अपने बाप को मतलब ऐसे फोन सारी आपस में दोनों की बहस होती है तुम बोलो तो ये सारा खानी। फिर वो जो सीन था ना इतनी शानदार अमान की एक्टिंग थी जो स्पाइडरमैन की तरह जाता ना क्या मतलब लेट के बैड तो जितना पूरा है और क्या नहीं जो बात जितनी इंसान के जान सकता इस तरह तेज देना गया जाके ना उसका भी पकड़ लेता तो तो फिर ना उसका उसका नहीं उसका मुंह पकड़ता सज्जल का उसका मुंह कहना तेरा तोड़ देना। अच्छा, इस सारी आप ये कहनी मैंने फोन करना नहीं करना ठीक है। तो अब ये वाली बात पर स्पाइडरमैन बन के ना फुल गुस्से वाला बड़ी शानदार उसकी एक्टिंग थी ठीक है। ये मैंने यार गल समझ नहीं आई। अच्छा, वो कहते हैं मैंने बाप का फोन करना कि मैंने जाना ही हो, तो वो कहता है कि तुझे तो मैंने ऑप्शन दिया था इस चीज़ का कि शादी ना करने, किसने कहा था अमान ने कि तुम मेरे से शादी ना करो, इसने कहा था नहीं मैंने करनी। वो कहता है अगर तूने कहा था करनी है तो चल मार हूँ जमाना थी मौत, हूँ तेरे मेरे ना रहना पड़ेगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। वो कहती है मैं अपने बाप को फ़ोन करूँगी, मैं चली जाऊँगी। अच्छा ठीक है, ये सारी बहस हो गई है, स्पाइडरमैन बने जिड़ियाँ गल्ला होनी फोन तो वो बाद ना बैठते बैठे ने वो वाली जो बात थी मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में उस पर वो ना कहती है कि ना तुम्हारे माँ बाप की तरबियत गलत होगी। अच्छा, जो तुम मिस्रा के झूठे जो सारा कुछ कहती है तेरे माँ भी नहीं, जब किसी के माँ बाप तो तू तो जरा अमान है ते माँ प्यो की कोई चिड़ी भी चीं कर जाती गुस्सा चीज से करता सी, ये माँ बाप की तरबियत मरे हुए माँ बाप की तरबियत पर ही बात कर दी, इस बात का बुरा नहीं मनाता। ऊपर से पहले तरीफ कर दी उसके माँ बाप की बदतरीफी कर दी, उसके बाद जो उसकी दुखती रग है अमानुल्लाह की के अपने बाप मीर फरूक की तरीफें करती है कि मेरे बाप ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया, तुम तो इतनी सारा अपने बाप की तरीफ और उसकी माँ बाप इस चीज़ पे नहीं वो गुस्सा करता। इस पे वो फ़ोन जो उससे छीनता ना कि तुझे तेरे बाप को फ़ोन नहीं करने देना, फ़ोन बेड पे फेंक के चला जाता है कि जा जो तेरा दिल करता है तू कर ले। तो उसके बाद खुद लाइब्रेरी में चला जाता है, फिर उसके बाद ना ऐसे ये फिक्रा सोचता है कि तेरे माँ बाप की तरबियत ठीक नहीं तेरे माँ बाप, फिर सारा उस समय चला जाता है अपने बचपन में। तो वो सारा मीर फरूक आता है जो उसकी माँ को ऐसे मतलब गंदी गंदी बातें गंदी गंदी नज़रें जैसे माँ पे डाल रहा है, तो छोटे बच्चे पता कितने होते हैं तो सारा पिक करता ना कि मेरी माँ को कैसे सता रहा था ये कर रहा था। तो अगली वाली एपिसोड में दिखाएंगे ना कि जो सारा कुछ जो फराना खाला नहीं आई नहीं फराना खाला नहीं आई। अच्छा हाँ, अच्छा अगली एपिसोड अगली वाली एपिसोड में भी अब मज़ा आएगा ना, क्या होगा हाँ मज़ा आएगा कि सारा कुछ वो मीर फरूक का दिखाया ना, वो उसके बाद आगे बढ़ेगी तो फिर पता चलेगा ना मीर फरूक ने जो कत्ल किया है। चलो ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इश्किया की तरफ। तो इश्किया की ये वीक एपिसोड कैसी रही? इश्किया ड्रामा मुझे एपिसोड ये वाली अच्छी लगी है, अगर मैं उसी बात पर रहूँ ना जो उन्होंने मेन शुरू में डाल दिया कि रमशान ने नहीं अपने बाप को बताया, बहन को तो फिर अपने बाप को भी नहीं ना जैसे कुछ जो सारी बात वो जैसे रिश्ता हो जाना था, तो फिर अगर इसी बात पर रहूँ तो फिर आगे मज़ा नहीं आएगा। मैंने इस बात को इग्नोर करके ना आप ड्रामे में मुझे मज़ा आ रहा ना कि ये वाली पूरी एपिसोड अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा सारी मूवमेंट जो भी बीच में दिखाई थी। बस मुझे फिरोज की जो बदतमीजी है ना माँ के साथ वो मुझे नहीं अच्छी लगती, वो ना दिखाया करें वो वाला सीन माँ की बात करते तो बात काट के आगे वो प्लीज ना दिखाया करें। नेक्स्ट एपिसोड का कुछ है कि मजे की बात अगला आगे क्या होगा? आगे यही है जैसे हमें ये दिखाया कि अपनी तरफ से हानिया कहती है कि मैंने नहीं शादी करनी, पर नहीं नहीं पूरा मतलब सारा हो गया क्योंकि उसने ना फिरोज ने उसको नहीं तो रोकना था ना रमशा ने, रमशा को उसने फिरोज ने कह दिया ना, उसने कहा अगर तूने मेरा रिश्ता रोकने की कोशिश की कि ना हो मेरा रिश्ता
तो फिर मैं जो तेरी और मेरी सारी तस्वीरें जो सारा मैसेज वो तेरे ससुराल में और तेरे घर वालों को मैं सारा वो बता दूंगा। मुझे अब ये लगा कि अगर इस चीज़ से रमशा का घर बर्बाद होता है पर अगर बहन के साथ शादी हो जाती वो इंतकामन कर रहा है प्यार में तो नहीं कर रहा फिर बहन भी तो बर्बाद होगी ना। तो फिर ये अपने आप को बचा ले या बहन को बचा ले। मैं तो मजे कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने एंजॉय किया, हाँ मुझे अच्छा लगा। इसके साथ हमारा हफ्तावार सिलसिला खत्म होता है ड्रामों का, लेकिन आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स के बिना पर कुछ ड्रामे जो बड़े पॉपुलर रहे बहुत लोगों ने कहा रुसवाई की बात नहीं कर रही आंटी, तो रुसवाई की बात थोड़ी करते हैं, तो रुसवाई कैसा जा रहा है? रुसवाई ड्रामा मैं देख रही हूँ, मजे से देख रही हूँ रुसवाई ड्रामे की। मुझे नहीं समझ आ रही जो मेन इसका इशू था गैंग रेप, 10 एपिसोडों से यही बात सुन रही हूँ, अब लड़ूंगी अब करूंगी अब लड़ूंगी, कभी करेगी कि नहीं। हर एपिसोड में ये होता है कि मैं ये करने लगी फिर वही औरत के लिए बहुत मुश्किल है इस माशरे में अपने हक के लिए लड़ना अपनी आवाज उठाना, तो वो शायद वो उसी बात को दिखाना चाह रहा है ना। मुश्किल होता है तो यही तो टीवी में देख के इंसान में हौसला पैदा होता है कि चलो ये वाली चीज भी हो सकती है। अब 20वीं सदी आ गई है, कौन सा वक्त जा रहा है, चलो कर लेंगे, नहीं ना करन ना करन हर बार क्यों धोखा दें देने। मैं कहनी हाई हूँ अगले एपिसोड च मजा आएगा, हया की करेगी अगले एपिसोड च मजा आएगा, कोई पागल बनाया पैसा हर एपिसोड च खुशखबरी देंदे ने वो कुछ करन लगी कर दियो कुछ भी नहीं। चल और क्या चल रहा है इस आप इस बारे ड्रामे में? सबसे यहाँ से शुरू होता ना कि समीरा की माँ की ना बर्थडे है। आहिस्ता औरत क्लियर। अच्छा समीरा की माँ की बर्थडे, आप मुझे भी करेक्ट कर दिया करो जब मैं तेज बोलता हूँ, मुझे पता है इसमें आपको समीरा की माँ की बर्थडे है, ठीक है बड़ी अच्छी बात है। चलो जैसे डिप्रेशन वाला माहौल था काम करने के लिए, सालगिरह केक है काट रहे हैं माँ ने इनिया सिल्वर चूड़ियाँ पा रही हैं, इतने तक सिल्वर चूड़ियाँ देखना जरूर बच्चे इनिया सिल्वर चूड़ियाँ पा रही हैं बहुत चंगी गल है, इधर दूर साथ चूड़ियाँ पाइया मन खुशी हुई है। फिर जो तू चूड़ियाँ पाइया केक कट्टन रही है फिर थोड़ी चिल जी हुई है तो फिर अपनी नौ भी माफ़ कर दे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही है ना सारा कुछ हो रहा है यानी तेरा जहन रिलैक्स हो रहा तो इतनी चूड़ियाँ पहनी है ना, फिर बहू के पीछे की पड़ी हुई है। बहू का मुझे ये बुरा लग रहा है कि तेरा एक ही बेटा है, बेटे ने पिछली दफ़ा कहा था कि जैसे मेरा दिल करता कि बाप मैं मर जाऊँ, मैं एक माँ ने किसने मेरी गल सुन ली, वो कह रहा है कि बाबा मर गया मैं भी मरूंगा तो फिर इस मसला हल होगा, कि मतलब जैसे नहीं बीवी उसकी माँ बन गई हुई है उसके बच्चे की माँ जी जनाब फिर रही कहती है माँ कहती भी नहीं मैं उन्हें माफ़ नहीं करना। ड्रामे वाले इन्नी मासूम है मैंने सिमिया इन्नी मासूम जी औरत है तो बड़ा प्यारा करैक्टर होता हर ड्रामे इसी में भी प्यारा था। ये जो ये वाली एपिसोड है वो रूमोला चढ़ दी माँ बनाता। अच्छा वैसे पसंद है सिमिया कुछ सिमी रील का करैक्टर बड़ा प्यारा बड़ा हाँ जैसे माए इसी तरह होती है। अच्छा इससे क्या हूँ रूमोला चढ़ दी बनाता है मैंने जरा देख के उसका जो डायलॉग है ना उसके ना उसके बेटे के घर हो गया है मतलब डायलॉग पढ़ लो देखते हैं। चलो सुन लो सिमर हिल का डायलॉग नहीं है पोता हो गया सिमर हिल का है कि नहीं है सिमर हिल का पोता हो गया ना ठीक है। अब उसके खड़ी होगी तस्वीर कहती है अपने मियाँ को मुहातिब करके आपके दुश्मन के घर हमारी औलाद हुई है आपका पोता महमूद मैं कैसी बेबस हूँ इस छोटी सी जान को कैसे बताऊं मैं किस कदर बेबस हूं। तेरा बेड़ा करके जाए माँ दादी बन गई है बच्चा तेरा दुख बच्चा खुश है इस चीज़ तो है नौ कर लिया अपना बुढ़ापा सवार तो खुशी ना दिन गुजार है कि महमूद महमूद तो मोला चट बन गई हुई है मोला चढ़ दी माँ से वो भी अंज पंगे लाती फिरती सर। अच्छा मोला चढ़ दी माँ फिर चैन नहीं आता फिर हॉस्पिटल जाती है वहाँ पर भी ऐसे बैठी रहती है कि हमारा पोता है आगे से कहती है कि मैं अपने अब जब तेरी ठीक है बेटी के साथ हुआ मेरा डॉक्टर के साथ बहुत बुरा हुआ पर अब जब एक घर को आपने ये भी तो देखना आप उसकी जो थी समीरा के साथ ना समीरा की अपनी गलती थोड़ी थी इसमें समीरा बेचारी की समीरा की जो साथ थी बड़ी कुत्ती औरत थी वो सारा घर उसने तोड़ा बड़ी जलील मैं बता नहीं सकती वो सारा कुछ करने वाली वही थी कर दिया। अब इसकी माँ को कहती हूँ उसमें और तेरे में क्या फर्क रह गया उसने तो दी तलाक वो तो तब बच्चा भी नहीं था अब तू देख कि ये जब तू कह रही है कि मैं बच्चा ले आऊँगी ठीक है तेरे बेटे की भी शादी हो जाएगी वरदा की भी शादी हो जाएगी जो बच्चा बेचारा पिस्ता था वो बच्चा है ना मैं तो सब खिलाफ हूँ जो तलाक के तेरी माँ की चांदी पई है गलत कर रही है ना इसकी माँ मुझे तो उसकी माँ बुरी थी उससे बुरी इसकी माँ इसमें इसकी माँ का मुझे लग रहा है कि जो गलत कर रही है इसमें ना फिर अब उसी मेरी बेचारी ने फजूल ही मोला जड़ दी माँ अपनाया पाया। अब वो समीरा देखना चाहती है भाई के बच्चे को एक्साइटेड है कि जैसे घर मोहल्ले के मेरे भाई का बेटा हुआ
ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕੇ ਡਾਇਲੋਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੂੰਗੀ। ਭਤੀਜਾ ਦੇਖਣੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟੀ ਬਹਿਣ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਨੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਨੇ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਚਹਿ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰਾ ਪੇ ਹੁਆ ਥਾ ਨਾ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਕਿਆ ਤਲਕ ਹੁਆ। ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਐਸੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਆ, ਯੇ ਵੋ ਫਲਾਂ, ਮੁਝੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਗਲਤ ਲਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੀਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸਮੇ ਸਮੀਰਾ ਕੋ ਵਿਲਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗ ਉਸ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੁਆ, ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਗਲਤ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਆ ਗੈਂਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਮੂਵੀ ਘਰ ਥੀ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮੀਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਸਕੋ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਜਾਤੀ, ਰਾਤ ਕੋ ਦੇਰ ਸੇ ਵਾਪਸੀ ਪੀ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਬਾਤ ਥੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾ ਰਹੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਸਮੀਰਾ ਕੇ ਸਾਥ ਹੁਆ, ਉਹ ਜੋ ਉਸਕੀ ਦੋਸਤ ਕਾ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਥਾ, ਤੋ ਉਸਕੀ ਬਹਿਣ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਣੇ ਪੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੋ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਉਸਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕਾ, ਤੋ ਵੋ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕਾ ਡਾਕਟਰ ਕਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਵੋ ਇਸ ਲੜਕੀ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਣ ਨੇ ਅਭੀ ਤਲਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਣ ਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋ ਮਰੇ ਏਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆ ਗਈ? ਤੂੰ ਪਰਸੈਂਟ ਲਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਚਾਚੂ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਝੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕੀ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਬਾਤ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਮੀਰਾ ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਸੀ ਮੈਂ ਵੋ ਬਾਪ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਹੀਰੋ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹਾ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਆਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਕੋ ਠੀਕ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਵਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਨਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਆਪ ਰੁਸਵਾਏ ਕਿਆ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸਮੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਐਸੇ ਜੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਵੋ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਜਿਸ ਕੀ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀ ਥੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹੱਕ, ਬੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਮਾਨ ਅਬਾਸ, ਆਇਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਤੋ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹੱਕ ਡਰਾਮਾ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਮਰਾਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੈਂ ਲੇਟਾ ਹੈ, ਨਰਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈਸੇ ਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮੇ ਮੋਂਟੀ ਕੀ ਥੀ, ਵੋ ਯੇ ਪੜੋਗੇ ਤੋ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੇ ਪੜੋਗੇ ਤੋ, ਅਬ ਨਰਸ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਕੋ ਟੋਟਕਾ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਟੋਟਕਾ ਬਤਾਊਂ, ਆਪਨੇ ਨਾ ਇਹ ਭਲਾ ਨਰਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਬਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ, ਕਿਆ ਟੋਟਕਾ? ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਸੋਰੀ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਪਸ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਟੋਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ, ਸੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਮਦ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਮਰਾਨ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਉੱਠ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਟੋਟਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੋਟ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਟੋਟ ਕੇ ਅੱਛੇ ਟੋਟ ਗਿਆ, ਅੱਛੇ ਟੋਟ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਮੰਮੀ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਮੈਂ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਉਸਕੋ ਲੈਣੇ ਆਇਆ ਆਇਜ਼ਾ ਕੋ ਕਰਾਚੀ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆ, ਤੁਝੇ ਲੈਣੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਖਾਲਾ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਖਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੀ, ਖਾਲੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਬੁੱਢਾ ਠਰਕੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਠਰਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਰਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਠਰਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੋਬਾ ਸਵਾ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਠਰਕੀ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕੀ ਥਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਠਰਕੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਬਾਬਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਇਦ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਇਦ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦਾ, ਡਰਾਮੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਕਿ ਡੱਬ ਲੁੱਚਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਾਚੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ, ਉਸਕੀ ਆਪ ਜੋ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜੋ ਉਸਕੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਹਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹਾਰਰ ਸੇ ਭੂਤ ਹੋਤਾ, ਵਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਈਟ ਸਾ ਸਫੇਦ ਸਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਵਿਚਾਰਦਾ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਘਰਕਤਾਂ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕਜ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਇਮਰਾਨ ਔਰ ਰਾਜਾ ਕੋ ਆਇਦਾ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਗਾੜੀ ਕਾ ਲੋਕ ਖੋਲਤਾ, ਹਰੀ ਵੈਸੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਹਿਜ ਨਿਕਲਦਾ ਇੰਜ ਸੀਰ, ਚਿੱਟਾ ਸਵਾਦ ਭੂਤ ਔਰ ਗਾ ਮੂੰਹ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਝੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਗਾੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੇ, ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਲੋਕ ਗਾੜੀ ਮੈਂ, ਲੋਕ ਗਾੜੀ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਬੈਠ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਭੂਤਾਂ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ,
घर आ गए, घर में इमरान आजा को घर दिखा रहा है, उसे कहता आओ अब तुम्हें बेडरूम दिखाऊं। बेडरूम च गए, फिर मैं कहा फिर पूता वाला मुंह लेके बेडरूम च बैठी होती पहले से खड़ी है। अच्छा हाँ, किस तरह पहुंची हो? भूत है वो, है भूत है वो। इमरान से कहते कहते तू कैसे बेडरूम में आ गई। लड़की है, कौन सी लड़की है? लड़की एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रही है। नहीं लड़की है, मुझे नहीं उसका नाम नहीं पता, पर एक्टिंग अच्छी वो लड़की कर रही है। बड़ी डिसेंट बच्ची है, पता नहीं उसका भूतां वाला मेकअप क्यों करवाया एपिसोड च, चिट्टी सफेद उन कीता पे ऑन द होल ड्रामा थोड़ा और आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताते रहे किस ड्रामे की हम लोग बात करें, किसकी बात ना करें। आपके सारे कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं और नोट डाउन करते हैं, उसके मुताबिक अपना शो करते हैं रिव्यूज का। तो आप लोग भी फीडबैक देते रहे क्या बात ना करें क्या बात करें, और देखते हैं अम्मा टीवी और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड। मैंने भी एक बात करनी है, क्या फिर वही कोरोना की, कोरोना से नहीं घबराना, अल्लाह से घबराना है, अल्लाह से माफी मांगनी है, कोरोना चला जाएगा, और उन लोगों से बचना बचना जिन्हें मैंने शुरू में भी कहा था जो खाम खाम को डिप्रेशन देते हैं, बुरी बुरी बातें होनी इतनी सी बात है, और इतना अब ये किसने शेर बनाया कि काबे का शेर था, मुझे अब शेर में गलत नहीं पढ़ना चाहती कि लोग तरसते थे वहाँ मरने के लिए, अब मतलब नहीं जा रहे, तो फिर वो मस्त दहशत गर्द कहने जिन्हें शेर बड़ा किया पोस्ट काबे में, तो उन्होंने बंद किया है, तो किया क्या कि लोग नहीं अब जा रहे, इस तरह के लोग होते हैं ना दहशत गर्दी बनाने। हाँ तो स्टे सेफ, स्टे घर पे रहें, हाँ घर पे रहें, जो सेफ्टियाँ बताई हैं खुदा का वास्ता बच्चों, खुदा का वास्ता वो कर लो, इंशाल्लाह ताला सब अच्छा कर देगा, वो जरूर करने हाथ हाथ जरूर 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 बहुत धोने हैं, मोमेंट तो आगे बहुत होता है। चले हाफिज़।